अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण देखिए क्या होता है। इसके अंदर पहले अपन देखेंगे आवेश घनत्व के बारे में। देखिए आवेश घनत्व क्या होते हैं। आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। अगर एक आवेश रेखीय रूप से फैला हुआ है, यानी एक लाइन के ऊपर, एक वायर के ऊपर फैला हुआ है, उसको अपन बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अगर एक क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, यानी पूरा के पूरी सतह के ऊपर फैला हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे सरफेस डेंसिटी, या फिर उसको हिंदी में बोलेंगे क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। और अगर मान लीजिए एक आवेश किस पे फैला हुआ है, एक वॉल्यूम पे फैला हुआ है, यानी पूरा एक आयतन के ऊपर फैला हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपन आयतन आवेश घनत्व। तो इनके फॉर्मूले कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए एक रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, घनत्व से सामान्यतः अपन क्या समझते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन नॉर्मल में। लेकिन आवेश के आवेश अगर एक रेखा के ऊपर फैला हुआ है तो उसमें आयतन तो होगा ही नहीं, उसमें क्या होगा, एक लंबाई होगी ज़्यादा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल भी बहुत कम होगा। एक पूरे पतला वायर की बात करते हैं अपन, तो वहाँ उस केस में देखिए ये तीन प्रकार का हो जाता है, जिसमें पहला है अपने पास रेखीय आवेश, ये बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। रेखीय आवेश घनत्व को अपन लैम्डा से लिखते हैं, और इसका मान क्या आता है अपने पास, कुल आवेश जितना भी दे रखा है उस रेखा के ऊपर डिवाइडेड बाई उसकी लंबाई, ये इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, देखिए ऊपर है अपने पास आवेश और नीचे है अपने पास लंबाई, यानी क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। ये लंबाई है, इसको मीटर में लिखेंगे, और ये आवेश है, इसको कूलाम में लिखेंगे। इसकी अगर विमा अपन देखना चाहें, कूलाम की विमा क्या होती है, A1T1 होती है, और इसकी क्या होती है, L1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, M0 L-1 A1, या पहले T1 लिख दो, T1 A1, ये इसकी विमा होती है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसी परिभाषा अगर देखना चाहें तो कुल आवेश तथा आवेश की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होगा, पूरे के पूरे पृष्ठ पे आवेश फैला हुआ रहता है, उसको अपन सिग्मा से लिखते हैं। इसमें भी फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन, यहाँ लंबाई थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्यू बाय ए। इसके मात्रक में क्या चेंज आएगा, यहाँ कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चेंज आने वाला है, देखिए यहाँ पे मीटर अकेला ही था, तो यहाँ पे केवल इसकी घात डबल हो जाएगी, यानी M0 L2 T1 A1। क्लियर हो गया होगा। अगला है अपने पास आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व में क्या देखेंगे, देखें तीसरा है अपने पास आयतन आवेश घनत्व, ये हो जाता है, इसको रो से लिखते हैं अपन, रो बराबर क्यू बाई वी, यहां पे आयतन आ जाता है डिवाइड में। आवेश को अपन सी से लिखते हैं, आयतन को अपन मीटर क्यूब से लिखेंगे, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों ही लंबाई होती, तो यहां पे मीटर क्यूब आ गया।
और अगर इसकी बीमा देखना चाहें अपन, तो क्या आएगी इसकी बीमा, इसमें क्या चेंज आ जाएगा, एल की पावर 3 आ जाएगा, एम जीरो एल की पावर माइनस 3 टी वन ए वन, ये इसका मान हो जाएगा। तो ये है आवेश घनत्व। अब देखते हैं आवेश वितरण क्या होता है। ये टॉपिक आवेश वितरण ही चल रहा है एक्चुअली, उसमें पहले अपन आवेश घनत्व समझे। अब आवेश वितरण, जिस तरह से आवेश घनत्व होते हैं उसी तरह से वितरण होते हैं। ये आवेश वितरण भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है रेखीय आवेश वितरण। इसमें मान लीजिए कोई ऐसी तार है, कोई लंबाई है, उस पर आवेश वितरित है। एक समान रूप से नहीं है, लेकिन ये ऐसे वितरित। अब इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल लंबाई का पता नहीं कितनी है, कहीं ज़्यादा आवेश हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, एक अल्प मान लेंगे। जैसे सपोज करो कि छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसकी लंबाई डेल एल मान ली, तो इस पे आवेश अपन ने डी क्यू मान लिया। तो यहाँ पर जो रेखीय आवेश वितरण आएगा उसमें लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। ओके, अब इस अल्पांश की वजह से अपन को विद्युत क्षेत्र मान लीजिए निकालना है, तो सबसे पहले तो इस आवेश निकालो। आवेश का मान क्या आएगा इसमें, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा डी एल। अगर संपूर्ण आवेश निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे अपन, समाकलन करने पर ये हो जाएगा क्यू इधर, तो और इधर समाकलन लैम्डा डीएल हो जाएगा। तो यहां से अगर विद्युत क्षेत्र आप देखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा इसमें, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 निर्वात के लिए q/r2, ये फॉर्मूला होता है। तो Q का मान इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/4πε0 समाकलन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। कुल मिला के रेखीय आवेश वितरण का मतलब ये है कि आवेश जो है एक रेखा पर, एक लाइन पर वितरित है, और अगर ये एक समान रूप से नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक एक करके इसको अल्पांश ले लेंगे, अल्पांश की लंबाई पे जितना आवेश होगा उस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें आता है प्रश्न आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होता है, देखिए एक पृष्ठ ले लीजिए कोई सा भी, ये ले लिया, अब इस पर आवेश वितरित है, अब आपने क्या किया कि एक अल्पांश ले लिया इसमें भी, ये मान लीजिए एस है, ये अल्पांश क्या हो गया अपने पास, डी एस हो गया, इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो यहां पे फर्क क्या पड़ेगा, पहली बात तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो किससे लिखते हैं अपन, सिग्मा से। डेल क्यू अभी भी इसमें आवेश कितना होगा अपने पास, डी क्यू होगा, लंबाई की जगह क्या आ जाएगा इसमें, डी एस आ जाएगा।
तो यहाँ पे डी क्यू का मान निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा डी एस। यहाँ पे भी अपने को समाकलन करने पर क्यू मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा डी एस। ओके, सिग्मा डी एस आ गया। तो यहाँ देखिए ई का मान कितना आ जाएगा, फिर ये फॉर्मूला सेम ही लगेगा यहाँ पे, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा इसमें, सिग्मा डी एस आ जाएगा। तो ये है अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण। और जो लास्ट वाला बचा है इसमें आयतन आवेश वितरण, वो भी अपन देखते हैं एक बार, इसको नोट कर लीजिएगा। आयतन आवेश वितरण, आयतन में क्या होगा कि कोई आयतन होगा, जैसे कोई गोला है, कोई क्यूब है, इस तरह से, तो उस पूरे के पूरे आयतन के ऊपर आवेश वितरित है। ये आवेश आ गया अपने पास रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी आ जाएगा। डी क्यू का मान क्या आ जाएगा, रो डी वी हो जाएगा। तो यहां से क्यू का मान क्या आ जाएगा, रो डी वी हो जाएगा। ठीक, इस पर क्या आएगा इसका मान, ये ऐसे कैसे है, यहां पे आ जाएगा अपने पास रो डी वी। तो ये आयतन आवेश वितरण है, इसमें क्या होगा अपने पास पूरा का पूरा आवेश किसी आयतन पे वितरित है, और वो उबड़ खाबड़ तरीके से है, एक तरीके से नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, कोई अल्पांश लेंगे, अल्पांश लेने के बाद में उस अल्पांश पर अपन, जैसे क्या नाम से, ये अल्पांश है अपने पास, इस अल्पांश पे डी क्यू आवेश है और डी वी इसका आयतन है। तो यहाँ पे रो का मान, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा। तो डी क्यू का मान निकालेंगे तो रो इंटू डी वी हो जाता है, और इस प्रकार से अपने पास इसका समाकलन करने पर क्यू का मान आ जाता है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है। अब देखिए,